तो आज हम बात करेंगे बेस इंस्टीट्यूट फॉर दी सर्टिफिकेशन, वो आपका चाहे CCNA हो, CCNP हो, MCSA हो, क्लाउड हो, DevOps हो, लाइनक्स हो, या कोई भी एडमिन की प्रोफाइल हो IT में, तो उसके बारे में हम बात करेंगे। क्योंकि मेरे पास बहुत ज़्यादा कमेंट आते हैं, इवन कई बार व्हाट्सएप पे मुझे पिंग आते हैं, सिर्फ इसलिए कि बेस्ट इंस्टीट्यूट कौन सा है। हालांकि मैंने इस पर एक दो वीडियोज़ और भी बनाए हैं, लेकिन मैं आपको वापस से क्लियर कर देना चाहता हूँ कि देखो दोस्त, बेस्ट इंस्टीट्यूट इन द सेंस कि अगर आप हाईली पेड इंस्टीट्यूट में जा रहे हो, जहाँ पे उसकी कॉस्ट ही अराउंड 50,000 रुपये, 1 लाख रुपये, 1.5 लाख रुपये होती है, तो वहाँ पे आप एक होप कर सकते हो कि मे बी वो आपको प्लेसमेंट दिला दें। मे बी मैं क्यों बोल रहा हूँ, उसका भी एक रीज़न है, क्योंकि फॉर सपोज अगर एक बैच में 20 कैंडिडेट हैं, उन 20 कैंडिडेट में अगर वो प्लेसमेंट वहाँ से दिला रहे हैं, तो हो सकता है 20 कैंडिडेट में से 15 कैंडिडेट को जॉब मिल जाए, 17 कैंडिडेट को जॉब मिल जाए, 18 या 19 कैंडिडेट को जॉब मिल जाए, वो जो एक कैंडिडेट बच रहा है वो हो सकता है वो आप ही हो। यहाँ पे मैं आपको ये क्लियर करना चाहता हूँ। और अब वहाँ पे क्या होता है, जो स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन इन द सेंस की जो स्मॉल इंस्टीट्यूशन है, वहाँ पे क्या होता है कि फीस कम होती है, 15,000 रुपये, 20,000 रुपये, 30,000 रुपये या मैक्स 40,000 रुपये, जो मैं स्मॉल इंस्टीट्यूशन की बात कर रहा हूँ। तो वहाँ पे क्या होता है कि प्लेसमेंट की गारंटी नहीं होती है, आपको एजुकेशन मिलता है, आपको नॉलेज मिलता है, बट प्लेसमेंट की कोई गारंटी नहीं होती है। अपने को भले ही उस टाइम बोल दें कि नहीं हम आपको 100% प्लेसमेंट दिलाएंगे, या हम आपको 100% प्लेसमेंट असिस्टेंट देंगे, बट ये चीज़ें सिर्फ कहने की होती हैं, वहाँ पे आपको प्लेसमेंट नहीं मिल रहा होता है जल्दी से। इवन मतलब 90-95% इंस्टीट्यूट होंगे स्मॉल स्केल पे जो आपको प्लेसमेंट नहीं दिलाएंगे, वो आपको बोल देंगे। 1% इंस्टीट्यूट हो सकते हैं मे बी जो आपको प्लेसमेंट दिला दें। सो द थिंग इज हियर कि आपका ये टोटली डिपेंड होता है आपको, आपने कितना गेन किया, आपको कितना नॉलेज मिला, आपको कितना टैलेंट वहाँ से आपने गेन किया है, ताकि आपको कंपनी जॉब दे दे। देखो मैं आपको अगेन वो बात रिपीट करूंगा कि आप चाहे 2 लाख दे दो, 4 लाख दे दो, 10 लाख रुपये दे दो किसी भी इंस्टीट्यूशन में, जब तक आप अपने अंदर टैलेंट नहीं लाओगे, कोई भी कंपनी आपको जॉब देने वाली नहीं है। मैं बता रहा हूँ आपको 1 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख रुपये देने की ज़रूरत नहीं है। आप स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन करो, स्मॉल इंस्टीट्यूशन आप ज्वाइन करो, वहाँ पे जाके आप अपनी स्टडी करो, और इसके बाद नॉलेज करो, अपने आप में एक टैलेंट बनाओ कि कंपनी आपको जॉब दें। ज़रूरी नहीं है कि आप एक बेस इंस्टीट्यूट में जाओ, तो अपने आसपास एरिया में आप सर्च कर सकते हो कि ऐसा इंस्टीट्यूट कौन सा है, या ऐसा इंस्टीट्यूट कहाँ पे है जो आपको एक अच्छी लर्निंग दे पाए, आपको अच्छी चीज़ें सिखा पाए, फ्रॉम बेसिक्स टू एडवांस। आपको 10,000 वाला इंस्टीट्यूट भी आपको जॉब दिला देगा एक कंपनी में। अगर आपने पढ़ा नहीं है, आपके पास टैलेंट नहीं है, तो आप कितने भी अच्छे इंस्टीट्यूट में चले जाओ, आपको वहाँ से भी जॉब नहीं मिलने वाली। तो मेरे कहने का मतलब कि मैं यहाँ पे किसी भी इंस्टीट्यूट को प्रेफर नहीं करता हूँ, जब तक आप अपने अंदर स्किल्स वो नहीं बना रहे जो कंपनी को चाहिए। बाकी अगर आप टेक्निकल सपोर्ट, डेस्कटॉप सपोर्ट में जॉब सर्च करो, IT सपोर्ट में जॉब सर्च करो, तो नीचे मैंने कुछ 60s के अराउंड क्वेश्चन दिए हुए हैं, जो कि आपको 90-95% इंटरव्यू में वही मिलने वाले हैं। और मेरा बेस्ट रिज्यूमे पढ़ा हुआ, आप उसको भी चेकआउट कर सकते हो। तो आज की वीडियो में इतना ही। मेरा नाम है शुभम, मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन हैव अ ग्रेट मोमेंट, एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग हियर।